नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि महिला पहलवान बार बार अपनी मांगे बदल रही हैं, जबकि दिल्ली पुलिस इन आरोपों की जाँच कर रही है। उन्होंने कहा, पुलिस अभी जाँच कर रही है, इसे पूरा हो जाने दे, जो बात निकल कर सामने आएगी उसके अनुरूप बात की जाएगी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और न ही इस पर प्रतिक्रिया देकर हमारा कुछ भला होने वाला है। न्यायालय द्वारा दिखाए जाने वाला रास्ता हमें स्वीकार्य होगा। वहीं दोस्तों, केसरगंज से भाजपा सांसद ने कहा, दिल्ली पुलिस की जांच में यदि महिला पहलवानों द्वारा लगाया गया एक भी आरोप साबित हो जाता है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, मैं पूर्व में अपने द्वारा कही गई बात पर कायम हूं। उन्होंने कहा, 18 जनवरी 2023 को जंतर मंतर पर पहली बार धरने पर बैठने वाले पहलवानों की मांगे कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, थोड़े दिनों के बाद बदल कर कुछ और हो गई। वे लगातार अपनी मांगों को बदलने का काम करते रहे हैं। ब्रजभूषण ने कहा, मैंने महिला पहलवानों से सवाल किया था कि उनके साथ कब, कहां और क्या क्या हुआ वो बताएं, किंतु आज तक इस संबंध में उनका कोई स्पष्ट और ठोस बयान सामने नहीं आया है। उन्होंने मीडिया से कहा, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे अनावश्यक प्रश्न ना करें। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये सभी पहलवान मंगलवार को गंगा नदी में अपने पदक बहाने गए थे, लेकिन खाप और किसान नेताओं के मनाने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने अपनी मांगे मानने के लिए 5 दिन का समय दिया है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की है, जिसमें पहली एक नाबालिग पहलवान के आरोपों के आधार पर पोक्सो के तहत दर्ज की गई है, दूसरी FIR में सील भंग करने संबंधी आरोप लगाए हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप साबित होता है तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। अब तक की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।